वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो MSBT का जो सर्कुलर आया है री एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो सिर्फ डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए या फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी एग्जामिनेशन कब, एग्ज़ाम फॉर्म कब भरना है, हॉल टिकट कब आने वाला है, जो री असेसमेंट या रीचेकिंग के लिए आपने जो पेपर डाले उनके बारे में सारी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक जो जानकारी रहे वो सही से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने बोला विषय उन्नाड़ी परीक्षा 2022 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी तसेच औषध निर्माण शास्त्र पदविका अभ्यासक्रमातील अंतिम सत्र वर्षातील अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण विषयांच्या फेरपरीक्षेबाबत। तो ये सर्कुलर आया है जो फार्मेसी के स्टूडेंट है या फिर जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनके लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं या फिर जो उन्होंने री असेसमेंट के लिए पेपर डाल चुका है, ठीक है, या फिर जो अगर आपका सिक्स सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट बैक है तो भी चलेगा, और अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट बैक है तो भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आपका एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आपको दिया है स्केड्यूल दिया है फिर परीक्षा बाबत से संक्षिप्त वेलापत्रक। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखिए, परीक्षा अर्ज स्वीकृति, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज भरने, बघा तर बघा इथं त्यांनी परीक्षा के अर्ज म्हणजे तुमचं जे एग्जाम फॉर्म आहे ते केव्हा भरायचं आहे, तर 5 सप्टेंबर ते 7 सप्टेंबरच्या मध्ये तुम्हाला या 3 दिवसांमध्ये भरायचं आहे। 5, 6 आणि 7 या 3 सप्टेंबर महिन्यामध्ये या 3 दिवस तुम्हाला तुमचा जो एग्जाम फॉर्म आहे तो अवेलेबल राहणार आहे, तो भरून द्यायचा आहे, ठीक आहे। नंतर बघा, विद्यार्थ्यांनी भरलेले परीक्षा अर्ज संस्थांनी निश्चित करणे विभागीय कार्यालय। नंतर बघा, 5 ते 8 तारखेमध्ये संस्था काय करेल, मतलब आपकी जो संस्था रहेगी वो क्या करेगी, तो एग्जामिनेशन फॉर्म कन्फर्मेशन करेगी आपके इंस्टीट्यूट पर। फिर देखिए, विभागीय कार्यालय परीक्षा अर्ज निश्चित करने, फिर जो कन्फर्मेशन रहेगा वो फाइनल कन्फर्मेशन भी हो जाएगा 5 से 9 सितंबर के बीच में, ठीक है। फिर देखिए, विभागीय कार्यालय परीक्षा अर्ज निश्चित करने का अंतिम दिनांक, तो कन्फर्मेशन की जो डेट रहेगी वो 9 सितंबर, मतलब 9 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। फिर परीक्षा ओळखपत्र व सिटिंग चार्ट प्रदर्शित करने, मतलब जो हॉल टिकट और आपका जो चार्ट है वो चार्ट आपको डिक्लेयर या फिर आपको हॉल टिकट जो है वो 13 सितंबर को ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा, फिर आपकी एग्जामिनेशन या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगी। अगर कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो चुके या फिर ओरल एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हैं तो 15 से 17 सितंबर के बीच में उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है या ओरल एग्जामिनेशन है वो ली जाएगी, ठीक है। और लेखी परीक्षा, मतलब जो थ्योरी एग्जाम है रिटर्न एग्जामिनेशन, वो 21 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में लेने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट सूचनाएँ हैं, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रूल है वो हम पढ़ लेते हैं एग्जामिनेशन के रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बताया है तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना है आपको, ठीक है, पूरा वीडियो देखना है अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के हो, डिप्लोमा के हो या फिर फार्मेसी के, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट, ज्या विद्यार्थ्यांनी उन्हाळी परीक्षा 2022 करिता अंतिम सत्र वर्षातील तसेच त्यांचे असलेले बॅकलॉग विषयाची परीक्षा अर्ज विभागीय कार्यालयामार्फत निश्चित केला होता, तसेच उन्हाळी परीक्षा 2022 निकाल फेल, WFLS, WFLY असा असेल अशाच विद्यार्थ्यांना त्याच्या अनुत्तीर्ण विषयाकरिता फेरपरीक्षेची संधी देण्यात येणार आहे। मतलब जिन स्टूडेंट के जो रिजल्ट है उस पर फेल या WFLS या फिर WFLY इस तरह से लिखा है उन्हीं स्टूडेंट के लिए, और अगर आपके फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर या सिक्स सेमेस्टर के पेपर है सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लास्ट ईयर के फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट, ठीक है। फिर देखिए, फेर परीक्षेच्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी मुद्दा क्रमांक 1 मध्ये नमूद परीक्षा अर्ज वेळापत्रकानुसार नियमित आपको, मतलब देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको कन्फर्मेशन कर लेना है, जो आपको स्केड्यूल में बताया है कि कौन सी तारीख को आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है उस दिन, ठीक है। फिर थर्ड नंबर है, देखिए, नियमित उन्हाळी परीक्षा 2022 अंतिम सत्र वर्षातील री असेसमेंटचा निकाल दिनांक 7 सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है जो अपने रीचेकिंग के लिए या फिर री असेसमेंट के लिए जो पेपर डाले हैं 7 सप्टेंबर के लिए के दिन आपका जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर बोला है कि सदर निकाल जाहीर झाल्यानंतर फेरपरीक्षेचा परीक्षेचा अर्ध भरलेले विद्यार्थी ज्या विषयात उत्तीर्ण होतील अशा विषयांची फेरपरीक्षा घेण्यात येणार नाही। मतलब समझो आपने फोटोकॉपी या फिर असेसमेंट के लिए डाला है पेपर, ठीक है, तो फिर अगर आपका जो रिजल्ट है वो 7 सितंबर के दिन आ जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, आपका जो एग्जाम, अगर आप भले ही आपको पता है कि आप पास होने वाले हैं उस पेपर में, फिर भी आपको क्या करना है,
उसमें आपको एग्जाम फॉर्म भर देना है, ठीक है। और अगर 7 सितंबर के दिन आपका रिजल्ट लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो हॉल टिकट में से जो पेपर आप पास हुए असेसमेंट में, फिर वो आपका गायब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। फिर देखिए, दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता मंडळाच्या परीक्षा विषयक नियमावली अनुसार सोई सुविधा देना थी, मतलब जो हैंडीकैप स्टूडेंट है उनको जैसे सुविधा मिलती है वो सुविधा उनको दी जाएगी, ठीक है। फिर फिफ्थ देखिए, उन्हाळी परीक्षा 2022 दरम्यान गैरप्रकार प्रकारनी शिक्षा झालेल्या अंतिम सत्र वर्षातील विद्यार्थी सदर परीक्षाकरिता पात्र असणार नाहीत, मतलब जो स्टूडेंट को कॉपी केस हुआ है तो वो स्टूडेंट इलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेंगे इस एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। फिर देखिए, सर्व संस्था प्रमुखांना सूचित करण्यात येते की परीक्षेदरम्यान कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी। परीक्षा दरम्यान गैरवर्तन झाल्यास मंडळाच्या परीक्षा विषय नियमातील RG 12 मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल। याबाबत आपल्या संस्थेतील विद्यार्थी, अध्यापक व इतर कर्मचारी यांना अवगत करावे, ठीक आहे। हे ज्यादा कुछ इम्पॉर्टंट नाही आहे। फिर देखिए, 7 नंबर का, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 प्रथम वर्ष 17 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू झालेले असून हिवाळी 2022 ही परीक्षासुद्धा माहे डिसेंबरमध्ये घेण्याबाबत मंडळाच्या शैक्षणिक वेळापत्रक घोषित करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे सदर शैक्षणिक कामकाज सुरळीत ठेवून सुद्धा गरजेचे आहे। तो ये जो इंस्टिट्यूट वाले उनको एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पर देखिए जो इम्पॉर्टंट टॉपिक है वो थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर अंतिम सत्र वर्षाकरिता अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अनुत्तीर्ण विषयाचे आकलन सुयोग्य प्रकारे होण्याच्या दृष्टीने अशा सर्व विद्यार्थ्यांकरिता विषय न्याय, मतलब ये देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हैं तो जो आपका कॉलेज है वो कॉलेज लेवल पर आपका जो क्लासेस ली जाएंगी जो एग्जामिनेशन में आप फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अटेंड करने ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि अभी 24/8 मतलब कल के दिन में एक परिपत्र आया था, उसने उन्होंने बोला था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। तो अभी आपका जो हॉल टिकट रहेगा, एग्जामिनेशन का फॉर्म का डेट रहेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है MSBT की तरफ से तो मैं वीडियो बनाकर आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप इस हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।